खरगोन जिले के नावाघाट खेड़ी पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां आज सर्वमित्र अमावस्या के अवसर पर शिक्षक भर्ती 2018 खरगोन के चयनित अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम के श्राद्ध का आयोजन किया। इस अवसर पर उमेश बिल्ले भूतेश चंद्र ने बताया कि सितंबर 2018 में भर्ती बीजेपी सरकार ने चुनावी समय में निकाली थी। ज्ञात रहे कि भर्ती 2011 से 7 साल बाद निकाली गई, मगर बीच में OBC आरक्षण अतिथि जैसे मुद्दे कोर्ट में चले गए, फिर कोरोना की वजह से हमारी भर्ती पर ताले लग गए, फिर जैसे तैसे लड़ झगड़ कर हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करवाई, मगर 3 दिन सत्यापन के बाद फिर कोरोना में आवागमन का बहाना बनाकर हमारी प्रोसेस रोक दी गई, जो कि अब तक रुकी है। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। हम लोग शिक्षक भर्ती के 2018 में जो आई थी उसके चयनित शिक्षक है। पिछले 11 वर्षों से हम लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हमारी बेरोजगारी का आलम यह है कि 9-10 सालों में भर्ती प्रक्रिया अभी भी पेंडिंग है। 2018 में विज्ञापन आया था, 2019 में परीक्षा हुई, उसके बाद से अभी तक परीक्षा के बाद में फिर सरकार बदल गई, फिर अभी भी नई सरकार ने थोड़ी सी प्रक्रिया चालू करी। प्रक्रिया चालू करने के बाद में कोरोना काल आ गया, सरकार ने भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी। हम बेरोजगार होने की वजह से हम पूरी तरीके से हम अपने आप में से त्रस्त हो चुके हैं। हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं है। आज हमने खुद का श्राद्ध डाला है और हम अपने आप का ही श्राद्ध डाल के हम ये कर रहे हैं कि हम एक विरोध शिक्षक भर्ती का, हम एक जो अभी तक चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि आप शीघ्र से शीघ्र मामा जी हमारी शिक्षक भर्ती पूर्ण करें। क्या नाम है आपका? भूतेश चंद्रा, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।